हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। तुम्हारे साथ रहना मजा कम सजा ज्यादा है। और ज्यादा इतराओ मत, कुछ दिन की बात है। मैं अपने घर और तुम अपने। नमस्कार दोस्तों, अलका ठाकुर एक बार फिर हाजिर है अपनी यादों की डायरी से एक चटपटी मजेदार लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है माया और अभी की, जिनकी शादी उनके घर वाले अपनी मर्जी से करा देते हैं। बट माया बिल्कुल खुश नहीं थी इस शादी से, क्योंकि माया के पिताजी और अभी के पिताजी बहुत पुराने दोस्त थे और अपनी दोस्ती को वो रिश्तेदारी में बदल देते हैं। अभी तो उनकी मर्जी से चुप हो गया, पर माया वो हर कीमत पे इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी। शादी को बस 3 महीने हुए थे, परिवार वाले उन्हें हनीमून के लिए जिद करके मनाली भेज देते हैं। होटल में एंटर करते ही माया रिसेप्शन पे अपने लिए अलग रूम की डिमांड कर देती है, बट रूम ना मिलने की वजह से दोनों को एक ही रूम में स्टे करना पड़ता है। ओ गॉड, यहाँ भी साथ में चिपकना है तुम्हें? जाके दूसरा होटल देखो, मैं अलग रूम में रहूंगी। जितने भी दिन यहाँ हूँ मुझे जीने दो। अभी उसकी बात सुन के जवाब देता है, मैडम मैं थका हुआ हूँ, प्रॉब्लम तुम्हारी है तो तुम जाके फाइंड आउट करो, बाय, मैं सोने जा रहा हूँ। माया गुस्से में सोफे पर ही सो जाती है और अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट के लिए होटल के रेस्टोरेंट में जाते हैं और अलग अलग टेबल पे नाश्ता करते हैं। ओ गॉड, कब छुटकारा मिलेगा मुझे इससे, घर जाते डिवोर्स फाइल करूंगी, मन ही मन माया टेबल पर बैठी सोच रही होती है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों रेडी होते हैं और मनाली के पहाड़ों को देखने के लिए निकल जाते हैं कि तभी माया की माँ का कॉल आ जाता है और सब उन्हें वीडियो कॉल पे आने को बोलते हैं। दोनों ऊपर के मन से ना चाहते हुए भी हंसते हैं और बात करते हैं। सबसे बात करके माया अभी घूमने के लिए निकलते हैं कि तभी माया बोलती है, ओ हेलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। मत आओ, घर से वीडियो कॉल आएगा तो मैं कह दूंगा, माया को अकेले घूमना था, फिर तुम जाना और तुम्हारे घर वाले। माया थोड़ा डर जाती है क्योंकि इस शादी का उस पर बहुत प्रेशर था। अच्छा रुको, आती हूँ, ना जाने कब जाओगी मेरी जिंदगी से। चिढ़ते हुए माया अभी के साथ चल देती है और दोनों साथ में घूमते हैं। रात वापस सोने को थी और बादल जैसे बरसने को परेशान कि तभी तेज बारिश हो जाती है और अभी माया भीग जाते हैं। खैर, होटल पहुंच अभी गर्म दूध का ऑर्डर देता है, पर माया अपने ही एटीट्यूड में थी। ओ हेलो, ज़्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी कमज़ोर नहीं हूँ। और चेंज कर माया सो जाती है। अभी उसकी बदतमीजियों से बहुत परेशान था पर कुछ नहीं कहता, अभी भी सो जाता है। सुबह अभी उठा, थोड़ा चौंकता है कि आज ये तूफान मेल कैसे शांत सोई है। चलो अच्छा है, शांति है। और अभी ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। ऊपर अपने रूम में आके अभी माया को देखता है, वो अब तक सो रही थी। अभी उसके पास जाता है और उसे आवाज लगाता है, माया उठो ब्रेकफास्ट कर लो। पर माया उठती नहीं। अभी माया को उठाता है कि वो देखता है माया कपकपा रही थी, बहुत तेज बुखार था। ये देख अभी तुरंत रिसेप्शन पे कॉल करके डॉक्टर के लिए कहता है। वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर माया को देख के दवा दी जाते हैं और उसका ख्याल रखने को बोलते हैं। अभी माया के लिए जूस मंगाता है, उसे दवा देता है। माया की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसकी देखभाल करता अभी उसके लिए सारी परेशानियां उठाता है, लेकिन अभी यहाँ परेशान था कि माया जल्दी ठीक हो जाए तो हम लोग घर जाएं। और माया ये सब देखती है तो थोड़ा नरम पड़ जाती है। अब वो चुपचाप अभी का कहना मानने लगी। अगली सुबह माया जल्दी उठ के तैयार हो जाती है और अभी को चाय के साथ उठाती है। उठो, 11 बज गए, चाय पी लो। अभी उसे देख के हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ, अचानक नीम की पत्ती शहद में क्यों डूबना चाहती है। खैर, अभी चाय पी के नहाने जाता है और तैयार हो जाता है। नीचे होटल के मेन गेट पे माया अभी का वेट कर रही थी। अभी उसे वहाँ देख के ठहरता है और उसके पास आके बोलता है, क्या बात मैडम? माया, आज आप गई नहीं अकेले घूमने? नहीं, वो मैं एक तो तुम्हारा वेट कर रही थी। वॉट? मेरा वेट और तुम? सीरियसली? अभी को अब माया का ये रूप देख के कुछ समझ नहीं आया।
माया पिघल रही थी एक्चुअली। मिस्टर आना है तो आओ वरना सड़ो यहीं। फिर क्या, दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अभी को वहां एक लड़की मिलती है। अभी तुम यहां? अरे चलो तुम यहां। दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देख माया जल जाती है कि ये कौन है। अभी माया को चारू से मिलाता है। चारू ये मेरी वाइफ माया, और माया ये चारू है मेरी कॉलेज फ्रेंड। माया एटीट्यूड में उसे हेलो बोलती है। चारू अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाली घूमने आई थी। अरे तुम मिलने आना यहाँ, हम अपने एक पास के होटल में ठहरे हैं। अभी चारू को कहता है। कौन से होटल, चारू पूछती है। अभी होटल का नाम बताता है तो चारू उसे और सरप्राइज कर देती है। अरे आज ही इस होटल में रूम लिया है तो रात को 8 बजे डिनर पे मिलते हैं, ओके बाय। ये कहते हुए चारू चली जाती है। माया को ये सब पसंद नहीं आता। अभी माया घूमते हुए रात होटल पहुंचते हैं कि तभी चारू अभी को फोन लगाती है। अभी आओ रेस्टोरेंट में नीचे डिनर करते हैं। यस श्योर, 10 मिनट में आया। अभी नीचे जाने लगता है। माया चलो डिनर करते हैं। हेलो मुझे नहीं आना तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड के बीच में, तुम जाओ। अभी उसकी बात इग्नोर करके चला जाता है। थोड़ी देर में माया नीचे जाती है और अभी को चुपके से देखती है। कितना टशन मार रहा है अपनी फ्रेंड के आगे, बड़ा आया। अरे अभी तुम अकेले आयो, माया कहाँ है? चारू की बात का जवाब देता हुआ अभी अपसेट हो जाता है। यार चारू, हमारे पेरेंट्स ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हमारी शादी करवा दी। मैं तो राजी हो गया, अपने मन को भी मना लिया, पर माया बिल्कुल खुश नहीं है और वो डिवोर्स चाहती है। चारू अभी को समझाती है और बोलती है टाइम दो अपने रिलेशन को, माया को समझो। पर चारू उसे अपनी मर्जी से शादी करनी थी इंडिया से बाहर, और यहाँ मेरे साथ फंस गई। माया अभी की और चारू की सारी बातें सुन रही होती है और वहाँ से चली जाती है। कि तभी चारू बोलती है अभी तुम माया को समझो, वक्त दो उसको, उसके साथ रहो। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम उसके दिल की जानो, प्यार है या नहीं उसके दिल में? अभी नहीं है। जब देखो लड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, घर जाके डिवोर्स देना चाहती हूँ, कुछ नहीं, बस यही सब बोलती है। अब कुछ नहीं हो सकता। अभी चारू को सब बता देता है, पर चारू उसे एक आइडिया दे देती है। तुम एक काम करो, पर तुम यहाँ कब तक हो मुझे पहले ये बताओ। अभी बताता है कि हमें तो कल निकलना है वापस घर के लिए। तुम थोड़े दिन और रुक जाओ ना, क्या पता तुम्हें सब क्लियर हो जाए, चारू उसे बोलती है। तभी अभी कहता है मैं कुछ समझा नहीं चारू। देखो लड़कियाँ बहुत पॉजेसिव होती हैं, माया के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं ये पता लग सकता है, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी होगी मेरे साथ। यहाँ कुछ दिन और रुको, सब क्लियर हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। पर चारू ये सब नहीं यार, अभी मना कर देता है। पर चारू एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करना चाहती थी। वो अभी को बहुत समझाती है और अभी मान जाता है। फिर क्या था, नाटक का पहला दिन। कल सुबह अभी तैयार होकर निकलने ही लगा था कि माया उसे घूरती हुई सवाल कर देती है, कहाँ जा रहे हो? वो चारू को कुछ काम है ना, उससे मिलने, बाय। माया उसे जल्दबाजी में देख सोचती है आज मुझे पूछा भी नहीं साथ चलने को, देखती हूँ इसे। माया अभी को फॉलो करने लगती है। अभी को पता था कि माया उस पर नजर रख रही है। अभी चारू से मिलता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बातें करते हैं। चारू अभी के कान में खुसफुस आती है, माया हमें देख रही है अभी, यार उसे बुरा लगेगा ना चारू। अभी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर माया के दिल का हाल जानना था। खैर दोनों वहाँ से मनाली की वादियों में घूमने लगते हैं, हाथों में हाथ डाले, नाटक करते। अब ये सिलसिला 4 दिन से चल रहा था, डेली माया का फॉलो करना और चारू अभी की एक्टिंग। माया इस बात से बहुत नाराज़ हुई और अपने होटल रूम में जाके पैकिंग करने लगती है। अभी उसे पैकिंग करता देख पूछता है कहाँ जा रही हो तुम? घर। और तुम भी चल रहे हो, बहुत आराम कर लिया। अरे पर क्यों, अब तो और मज़ा आ रहा है यहाँ। हाँ हाँ, आजकल चारू की बाहों में जो खोए हो मज़ा तो आएगा, सब बताऊंगी घर जाके पापा को। मैडम लिसन, आप क्या बताएंगी, आपको तो जाते ही डिवोर्स फाइल करना है ना। मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूं, तुम कौन सा प्यार करती हो मुझे, बाय।
टीवी सीरियल्स के डायलॉग की तरह माया के कानों में ये बात गूंजती रही, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? अब माया अपने आप से सवाल करने लगी, सही तो बोल रहा है, मुझे इसके साथ तो नहीं रहना है, फिर मुझे क्या लेना? हाँ, मैं अपना एंजॉय करूंगी। अब यहाँ अभी चारों से मिलके सब बताता है और बोलता है, ये नाटक ख़त्म करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो चाहती है मुझे। चारों से थोड़ा सब्र करने को कहती है और बोलती है, बस दो दिन और फिर तुम चले जाना, परसों तक माया को और देख लेते हैं ना। अभी रात होटल पहुँचते ही अभी तैयार होने लगता है, माया मैगजीन पढ़ते हुए उसे देखती है, कहाँ जा रहे हो? नीचे डिनर करने, चारू वेट कर रही है मेरा, बाय। अरे हद हो गई, सच में जब देखो चारू चारू करता है। हाँ ठीक है ना, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। माया नीचे जाती है और दूसरी टेबल पे डिनर करने बैठ जाती है, अभी उसको देखता है छुपी छुपी नजरों से। अभी माया आ गई, चारू अभी का नाटक शुरू हो जाता है। यहाँ होटल में आज किसी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, सो सभी कपल्स को सालसा डांस के लिए इनवाइट किया जाता है। चारू अभी को बताने लगी कि तभी चारू अभी उठ के साथ साथ डांस करने लग जाते हैं। माया को बहुत गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाती है कि तभी चारू अभी को माया के पास जाने को बोलती है, और अभी माया के पास जाकर हाथ आगे बढ़ाता हुआ उसे सालसा के लिए ले आता है। माया उसकी तरफ बढ़ती है और दोनों सालसा करते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। माया बदली बदली सी कुछ तो लग रही थी, जैसे वो उसे चाहने लगी थी, पर वो प्यार उसकी ईगो की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये कैसा प्यार था दोस्तों? खैर, डांस खत्म हुआ, सब गए अभी माया के साथ अपने रूम में, पर माया आज सोफे पर सोने के मूड में नहीं थी। अभी की बाहों में सोने का मन जो था, पर ईगो इतनी, मैं क्यों जाऊं उसके पास। अभी सोने लगता है कि माया को बोलता है, तबीयत कुछ दिन पहले ठीक हुई है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। माया उसे जवाब देती है, नो थैंक्स। माया हमेशा जिद मत किया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, गुड नाइट। कुछ देर में माया अभी के पास जाके सो जाती है, और पर पता नहीं मन क्यों उछल रहा है, क्यों अभी के पास रहना उसे अच्छा लग रहा है। अब इन सब सवालों के जवाब ढूंढती हुई माया सो जाती है। सुबह अभी की आंखें खुलती हैं तो माया सो रही होती है, वो उसे एक तक देखता रहता है, सुंदर सी मुस्कान चेहरे पे, उसके गाल छुपाती हुई लटे, बेहद ही खूबसूरत। माया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी को रियलाइज़ हो गया था कि वो माया से प्यार करने लगा है, पर माया करती है? ये सवाल सुलझाने का जवाब वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था। अभी नहाने चला जाता है कि माया की आंख खुलती है, अभी को वहाँ ना पाके सोचती है, कहाँ गया अभी सुबह सुबह? फिर चारू से मिलने की सोच रहा होगा कि तभी उसे शावर की आवाज़ आ जाती है, तभी माया समझ जाती है, ओह नहा रहा है, मिलने जाना होगा चारू से। अभी तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने लगता है, तुम आ रही हो ब्रेकफास्ट के लिए? अभी माया से पूछता है, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगी। माया अपनी बेस्ट फ्रेंड रिचा को कॉल करती है, हालचाल लेने के बाद माया अपने दिल के हाल भी बयां करती है। रिचा माया को समझाती है कि उसे अभी से प्यार हो गया है, तभी उसे बुरा लगता है अभी का चारू के पास जाना। तुम जाके बोल दो माया उसे, पहले चारू ना उड़ा ले जाए उसे अभी को। माया रिचा का फ़ोन रख के सोचने लगती है कि क्या सच में मुझे अभी से प्यार हुआ है। फाइनली माया को रियलाइज़ होता है और वो तय करती है अभी के करीब जाने का, पर शुरुआत कहाँ से करूँ, आज रात भर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आज मैं रात भर उसके दिल की बात सुनूंगी, देखती हूँ वो करता है नहीं करता है। सीरियसली मैं पागल हो गई हूँ, मैं ये क्या बोल रही हूँ। रात को अभी कमरे में आता है और माया को देखता है, अरे तुम सोई नहीं? नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, बात करनी थी कुछ। मुझसे? रियली मैडम? मुझे भी करनी है, पर पहले तुम कहो। नहीं पहले तुम बताओ क्या बोलना है। माया अभी में जंग छिड़ जाती है, पहले आप की। फाइनली अभी माया को बोलता है,
तुम तो घर जाते ही डिवोर्स फाइल करोगी, तो मैं सोच रहा था तुम्हारी अपनी लाइफ है, ज़बरदस्ती साथ क्यों रहना, तुम जा सकती हो। माया ये बात सुनते ही सहम जाती है और गुस्से में आग बबूला उस पर भड़क जाती है। अच्छा तो तुमको चारों के साथ रहना है, साफ साफ बोलो ना। फिर अभी माया के गुस्से से उसके दिल का हाल समझ जाता है और उसे और चढ़ा देता है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी ईगो के साथ रहो माया। माया अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती, उसकी ईगो फिर बीच में आ जाती है। और सुनो, हम परसों शाम को निकल रहे हैं, पैकिंग कर लेना। माया का दिल टूट गया था, वो चुप होके बैठ जाती है। वैसे तुम क्या बात करने वाली थी, सॉरी मैं भूल गया, बताओ। माया उसे देख के कुछ नहीं बोली, अभी भी जाके बेड पे सो गया। अगली सुबह चारू का फोन अभी के सेल पे आता है, माया उनकी बात वहीं बैठे सुनने लगती है। हाँ मैं आ रहा हूँ, रिंग साथ लेने चलते हैं। माया ये सुन के चौंक जाती है कि बात यहाँ तक आ गई, अब सगाई कर रहे हैं। आज मैं इन दोनों को बताऊंगी और घर जाके भी इनकी क्लास लगवाऊंगी। अभी चारू से मिलता है, दोनों साथ में रिंग लेते हैं। चारू माया को देख लेती है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देती है कि अभी चारू से सवाल करता है, चारू माया को पसंद आएगी ना रिंग? हाँ बाबा, उसे आज रात का प्लान पता है ना, सब तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में मैनेजर से बात हो गई है, सब हो जाएगा, बस आज माया अपने दिल की बात कह दे चारू। हाँ हाँ बोलेगी, नाटक का लास्ट सीन जो है आज अच्छा करना है। ओके चलो अब चलते हैं। उन दोनों को रिंग लेता देख माया आग बबूला हो जाती है। होटल लौट के माया अपनी फ्रेंड ऋचा को सब बताती है और ऋचा माया को बोलती है, तुम अपनी ईगो साइड में रख के इस रिश्ते को बचा लो, वरना मनाली में तुम्हारे प्यार का दी एंड हो जाएगा। माया तय करती है, आज अभी को बोल दूंगी सब। शाम 7 बजे अभी अब होटल रूम में पहुंचता है और रेडी होने लगता है। माया उसे देख के सोचती है कि आज सगाई कर लेगा ये चारू से। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज मैं इसे सब बता दूंगी, अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी, मेरे दिल में इसके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर वो एकदम चुप हो जाती है। अभी सुनो मुझे कुछ कहना है माया, मुझे लेट हो रहा है, आगे बात करूंगा, तुम तैयार हो जाओ, डिनर करने चलो। नहीं अभी सुनो तो, वो मुझे तुमसे ऑफ हो माया, लेट हो रहा है, चारू वेट कर रही है, बाय। अभी नीचे चला जाता है। माया भी रेडी होके जाने लगती है। पर ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है? माया रेस्टोरेंट में अंदर जाती है कि लाइट ऑन होती है और फिल्मी सीन की तरह पूरा रेस्टोरेंट सजा हुआ, माया का फेवरेट म्यूजिक, केक, बलून्स, ये देख माया सोचती है ये सब क्या है, कि तभी उसे अभी दिखता है, वो रिंग हाथ में लिए चारू की तरफ बढ़ता है और माया ये देख रोने लगती है। रुको अभी, ये सब क्या है, मुझे फर्क पड़ता है, तुमको अपने आप से दूर जाता देख मुझे जलन हो रही है, और चारू में तुमने ऐसा क्या देख लिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस यही सुनना चाहता था अभी। और वो रिंग लिए माया के कदमों में बैठ के उसे वो रिंग पहनाने लगता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। करता तो मैं भी हूँ, पर तुम्हारी ईगो ने तुमको कभी मेरे पास नहीं आने दिया। और ये सब नाटक था माया, ये सब चारू ने करवाया। और माया को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी ईगो के चक्कर में क्या खोने जा रही थी। अभी चारू को थैंक्स बोलता है और माया अभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। माया समझ गई थी प्यार में अहंकार नहीं होता। दोस्तों फाइनली माया ने अभी को अपने दिल की बात बता दी और दोनों मनाली की वादियों में खो गए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये यादों की डायरी से मिली प्रेम कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ध्यान रखें, सेफ रहें, धन्यवाद, थैंक यू।